राजधानी रायपुर में दक्षिण उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण चुनाव की तैयारी पार्टी जोर शोर से कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी का आशीर्वाद पार्टी को मिला है। वहीं कांग्रेस पार्टी से सभापति प्रमोद दुबे के नामांकन पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कांग्रेस क्या करती है यह उनका विषय है, पर उनमें कितनी लड़ाई है वो दिखता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज नेताओं के साथ पहुंचे। हसदेव मामले को लेकर साव ने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इन्होंने हरियाणा में भी आरक्षण या ओबीसी गणना के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, पर हरियाणा की जनता ने इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। वहीं अंबिकापुर में महामाया एयरपोर्ट के शुभारंभ को लेकर उन्होंने कहा कि कल 20 अक्टूबर को एक और बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। अब अंबिकापुर में एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल होगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव की तैयारियां पार्टी जोर शोर से कर रही है और रायपुर दक्षिण में लगातार 8 बार आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रतिनिधित्व किया है। रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और इस बार भी रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। फिर से कमल रायपुर दक्षिण में खिलेगा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रम फैलाने का काम करती है, आज भी ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हरियाणा में भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, चाहे आरक्षण के नाम पर, चाहे ओबीसी गणना के नाम पर, चाहे संविधान के नाम पर हरियाणा की जनता ने माकूल जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी लोकसभा चुनाव में दिया, विधानसभा चुनाव में दिया और आगे भी कांग्रेस पार्टी को इसी तरह से जनता का जवाब मिलेगा। रायपुर दक्षिण में भी कांग्रेस पार्टी के भ्रम और भय की राजनीति का करारा जवाब मिलेगा। कल 20 अक्टूबर को एक और बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है, जब अंबिकापुर में एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली करने वाले हैं। तो एक और बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के नाम होने वाला है। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ कल से होने जा रहा है। लोगों की सुविधाओं के विस्तार के लिए, चाहे सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। एक और बड़ी उपलब्धि कल छत्तीसगढ़ के नाम होने वाला है।